सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 6 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने एक्सरसाइज 3.7 चल रही थी, उसका क्वेश्चन नंबर 5 आज करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 8, 10 और 12 से विभाज्य तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो देखो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तीन अंकों की, तो अपन इनका लसन निकाल लेंगे, 8, 10, 12 का लसन। तो सबसे पहले देखो, 2 का भाग 11 है सब में, तो 8 में गए 4 बार, 10 में 5 बार, 12 में 6 बार। फिर देखो इन दोनों संख्याओं में, इसमें तो 2 का नहीं जा रहा, लेकिन इन दोनों संख्याओं में तो 2 का भाग जा रहा है, लगा दो, 2 का 4 में लगाया 2 बार, 5 में नहीं जा रहा जैसा का जैसा लिख दो, 6 में लगाया 3 बार, फिर 2 का लगाया 1 बार, 5 में नहीं जा रहा 3, 3 तीन का लगा दो, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, बचा गया 5, तो 5 का लगा दो, तीनों जगह एक एक आ गया। तो 8, 10 और 12 का लसल लिया तो क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये आ गया। इनको जब गुणा करेंगे अपन तो कितना प्राप्त होगा, 120 गुणा कर लो, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 3 24, 24 5 120। अब उसने तो अपन से पूछा है कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 8, 10 और 12 का भाग चल जाए, तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 999 होती है, लेकिन इसमें भाग थोड़ी जाएगा। अब अपन वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो अपना जो लसा प्राप्त हुआ है उस लसा का भाग लगा दो इस 999 में। जब इसमें लसा का भाग 999 में लगाऊंगा तो ये 8 बार जाएगा, 960 आ गया, घटाया तो 9 का 9, 9 में से 6 गए तो 3 बचा, शेषफल कितना बचा 39। अब जो भी शेषफल बच रहा है इस शेषफल को आप इस तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा दीजिए, वही संख्या आपके पास क्या आ जाएगी, 8, 10 और 12 से विभाज्य। तो यहाँ पे लिख देंगे 8, 10, 12 से विभाज्य तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यहां पे करके बता देता हूं मैं, 999 थी, लेकिन यहां पे शेषफल कितना बच रहा था, लसा का भाग लगाने पर 39, तो 39 को घटा दीजिए, जो भी प्राप्त होगा वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 3 गए तो 6 और 9 का 9, तो क्या आंसर आ गया 960। तो इसको नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तीन विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है, यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो सबसे पहले तो इनका लसन निकाल लेंगे 48, 72, 108 का, तो एक साथ निकाल लिया लसन, तो देखो 2 का भाग 48 में 24 बार, 72 में 36 बार, 108 में 54 बार, तो ये आपको करने हैं गुणनखंड, इनको मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं, ये आपको आना चाहिए। तो 48, 72, 108 का लसन निकाला तो क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 दुआ 16, अब इनको गुणा कर लो, 3 3 9, 9 3 27, तो 16 का गुणा किससे करना है, 27 से, तो जब 16 का गुणा 27 से करेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 432। तो लसे तो कितना आ गया इनका 432, लेकिन वो बोल रहा है यदि एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेगी। अब लसा तो 432 आ गया, तो देखो जब वो पुनः एक साथ बदलेगी तो इस लसा में मैं 60 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास वो टाइम आ जाएगा, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 432 में मैं किसका भाग लगा दूं, 60 का, तो यहाँ पे आप 60 का भाग लगा के चेक कीजिए, तो 60 का भाग इसमें जाएगा 7 बार 420, ठीक है, तो बचा कितना 12, तो देखो भागफल तो 7 आ गया, मतलब 7 तो मिनट हो गए, मिनट हो गए, और 12 क्या हो गए, सेकंड। उसने ये तो पूछे यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदल रही है तो उसके बाद कब बदलेगी, तो वो पुनः बदलेगी, कब बदलेगी, 7 बजे तो बदल ही रही थी वो, उसके बाद पूछ रहा था अपन से,
तो 7 बजकर यहाँ पे अपने पास देखो बात पल कितना आया, 7 मिनट, 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पर शेष पल 12 आया, तो ये तो मिनट में आ गया, ये सेकंड में आ गया और ये घंटे हो गए, तो 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पर पुनः बदलेगी। इसको नोट कीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहा गया है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो देखो सबसे छोटी संख्या कहा है, जहां भी छोटी न्यूनतम ये आ जाता है वहां पे अपन को क्या निकालना है, लसर। तो इन संख्याओं का लसर निकाल लिया, गुणनखंड कर लो, पहले तो गुणनखंड करते हैं, इनका लसर क्या प्राप्त हुआ, 2 × 3 × 3 × 5 इनको गुणा करेंगे, 2 को 3 से किया 6, 6 को 3 से किया 18, 18 को 5 से किया 90, लसा तो 90 आ गया, लेकिन वो बोल रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। अब जो लसा जो आता है, कितनी भी संख्याओं का आप लसा निकालो, जो लसा प्राप्त होता है ना उस लसा में इन तीनों संख्याओं का भाग जाता है और पूरी पूरी बार जाता है, लेकिन वो बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे, तो प्रत्येक दशा में 5 शेष रहेंगे, दशा में 5 शेष रहने के लिए क्या कर देंगे अपन, जो लसा है 90 उसमें कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 5। तो अतः वह संख्या क्या आ जाएगी, 95। क्यों, क्योंकि लसा तो 90 है, इसे 90 में तो पूरी पूरी बार तीनों संख्याओं का भाग जाएगा इसे। अब 5 शेष कब रहेगा, जब अपन 90 में 5 और जोड़ देंगे, 95 आ गया, तो 95 में आप इन तीनों संख्याओं का भाग लगा के देख लो, हमेशा शेषफल 5 ही रहेगा, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 95। इसको नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ कहा गया है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है जिस प्रकार का अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो यहाँ पे देखो 18, 24, 32 इन तीनों का लसा निकाल लो, लसा निकालेंगे, गुणनखंड ये होंगे, गुणनखंड आप लोगों को करके देखना है, मैंने बता दिया है। यहाँ पे 18, 24 और 32 का लसा निकाला, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 है, तो इनको जब गुणा किया तो 288 प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है अपन से 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या। तो पहले ये बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अब अपन को तो वो संख्या ज्ञात करनी है जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो, 1000 तो ऐसी संख्या है नहीं जिसका भाग इसमें चल जाए, तो अपन ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस 1000 में जो अपने पास लसा प्राप्त हुआ है 288 इसका भाग लगाएंगे, तो भाग देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और जब इसको घटाएंगे अपन तो अपने पास यहाँ पे शेष बचेगा 136। अब देखो भागफल तो 3 है, शेषफल 136 आ गया, अपन को वो संख्या ज्ञात करनी थी सबसे छोटी जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो, तो यहाँ पे लिखेंगे अब 18, 24, 32 से विभाज्य 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालनी थी, तो देखो 1000 तो 30 है अपने पास सबसे छोटी संख्या, लेकिन इसमें भाग नहीं जाता, तो निकालने के लिए अपन ने देखो क्या किया, लसा निकाला था, लसा आया था 288, जब इस 288 का भाग अपन ने 1000 में लगाया तो कितना शेषफल प्राप्त हुआ था, 136। तो इस लसा में से 136 को घटा दीजिए और 1000 में जोड़ दीजिए, तो ये 1000 जब इसमें से अपन इसको घटाएंगे तो प्राप्त हो रहा है 152, और 1000 में 152 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1152, यही आपका आंसर है, 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी जो 18, 24, 32 से विभाज्य होगी। इसको नोट कीजिए, बाकी का अगले वीडियो में पढ़ेंगे।